डाउटनट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। क्वेश्चन इज व्हेन 2 to the power 256 इज डिवाइडेड बाय 17 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। ओके, तो हमें इस केस में रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखिए, इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रॉपर्टी हमारे पास दैट एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस ए व्हेन एन इज इवन। ओके, कि अगर एन की वैल्यू अगर इवन है तो एक्स प्लस ए डिवाइड करेगा एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन को। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एक्स की वैल्यू 16 और ए की वैल्यू कंसिडर करेंगे 1 और एन इवन है तो एन की वैल्यू हम सपोज करेंगे 64। ओके, तो इन वैल्यूज़ को अब क्योंकि एन इवन है तो इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो हमने प्रॉपर्टी कंसिडर किया उसमें। सो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 डिवाइड्स 16 टू द पावर 64 माइनस 1 टू द पावर 64। ठीक, 16 प्लस 1 इज 17, सो 17 डिवाइड 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 टू द होल पावर 64 माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस केस 17 डिवाइड 2 टू द पावर 256 माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2 to the power 256 माइनस 1 को अगर डिवाइड करें 17 से तो रिमाइंडर क्या आ गया उस केस में, 0 आ जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि ये पूरे पूरे डिवाइड कर रहा है। अब हमें कंप्यूट करना है यहाँ से कि सिर्फ 2 to the power 256 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली इस माइनस 1 की हमें रिमूव करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को ऐड करेंगे। सो दैट मीन्स अगर 2 to the power 256 माइनस 1 के केस में रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 है, सो 2 to the power 256 के केस में रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 plus 1 दैट इज 1। ओके, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 1, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन दैट इज 1। डाउटनट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।